चले आए मशीन के पास, मशीन आके ट्रैक्टर आके लग गई है थ्रेसर में। अभी गेहूं कटना स्टार्ट होगा, हवा भी कम हो गया है और शाम के 5:30 बज रहे हैं। दिन में हम लोग गेहूं कटवा रहे थे, गेहूं 40 टीना हुआ, लगभग 6.5 क्विंटल हुआ। तो अपना हिसाब कतर ले देखे गाड़ी वाला को, हम लोग अपना माने ढो के घर में रख लिए। उसके बाद नहा धोवा के अभी फ्रेश हो गए, अब चलते हैं गांव में, बारात आया है पास में भी, तो खाते हैं। खाने में दुनिया है, पूरी है और कचौड़ी है, आलू दम है और मटर पनीर की सब्जी है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों हम अपने बगीचा में हैं और दिन के 10 बज रहे हैं। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, हम लोग गए थे बारात, बारात से वहाँ खूब बढ़िया माने पनीर वनीर बना था, लिट्टी खाए, आनंद आया। और वहाँ से आते आते हम लोग विदाई लेके आए, रात को 3:30 बज गया था। घर पहुँचते फिर सोए, थोड़ा लेट जगे, अभी उठ के मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गए हैं, नाश्ता पानी कर लिए हैं और अभी हम आए हैं बगीचा में। ये देख लीजिए हमारे पीछे थ्रेसर खड़ा है, तो यहाँ पे आज हम लोग गेहूँ कटवाएंगे। ये देख लीजिए, ये हमारा गेहूँ और ये है थ्रेसर। बहुत दिन से मतलब इसको 3 दिन से हम लोग परेशान थे, गेहूँ ढो के लाए पिकअप से, आप लोग देखें। तो आज यहाँ पे फाइनली थ्रेसर खड़ी है, आज हमारा गेहूँ कट जाएगा। तो अभी कटने के बाद सुबह में ही था लेकिन अभी नहीं कट पाया, इसका कारण है कि अभी बहुत जोर से हवा चल रहा है। तो अभी काटेंगे और भूसा सब उड़ेगा, तो उड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए अभी मशीन को बंद रखे हैं। इसमें ट्रैक्टर भी नहीं है, ट्रैक्टर चली गई है अपने डीजल पानी भरने के लिए। अभी जब शाम को कटेगा तो ट्रैक्टर चली आएगी। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। और आज हमारे गांव में पटीदार में भोज भी है, मतलब निमंत्रण। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा हम लोग मड़वान कर रहे थे अपने कजन के यहाँ, तो मड़वान का भोज होता है, तो वही मिल भोज रहेगा, मिल सिस्टम। तो आज दिन को जाएंगे खाने के लिए, 12 बजे बीजे है, अभी अंगिया मिल गया है लेकिन बीजे जो हो मतलब भोजन का टाइम जो है 12 बजे का रखा है, 11:30 बजे। तो चलेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और एक जगह पे मड़वान का तैयारी हो रहा है हमारे कजन में ही, वहाँ बांस काट के रख दिया गया है, 9 बांस। और यहाँ पे हमारे जो बढ़ई जिसको बोलते हैं शर्मा जी, जो लोहार कहते हैं, देख लीजिए उनके हाथों में हथियार है। तो ये सब उसका जो कार्यक्रम होता है वो करते हैं, बांस बनाते हैं, बत्ता बनाते हैं, वैसे ही सब कुछ बना देंगे। फिर हम लोग शाम को चलेंगे, मतलब 2 बजे के बाद मड़वान माड़ो गाड़ेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो दिन के 12 बजने वाले हैं और हमारा जो आपको बता रहे थे भोज है आज, तो भोज का बीजे हो गया, तो हम लोग चलते हैं खाने के लिए। ये छोटू जाएगा और प्रिंस जाएगा और ये जाएगा, तो चलिए चलते हैं और भोज खाते हैं। ये जो दिख रहा है ये वाला घर में है, वो देखिए वो जो घर दिख रहा है ना, कल वहीं पे मड़वान हुआ था, देखिए ऊपर में माड़ो है, ये है, तो वहीं पे बीजे है। तो चल रहे हैं बीजे खाने के लिए, मतलब भोज खाने के लिए। तो हम लोग अभी पहुंच गए, देखिए यहाँ पे भोजन स्टार्ट है, सब लोग खा रहे हैं। और ये पाती उठ जाएगी तो हम लोग बैठेंगे, चलिए कोई बात नहीं, हड़बड़ी नहीं है। और देख लीजिए कल हम लोग यहीं पे माड़ो, ये माड़ो गाड़े, तो माड़ो का भोज है मड़वान का। तो बस हम लोग ये पार्टी उठ जाए तो हम लोग बैठते हैं और भोज का आनंद उठाएंगे। आप लोग भी वीडियो का आनंद उठाइएगा, वीडियो में बने रहिए। हमारा भोजन स्टार्ट हो गया, तो देखिए पत्तल चल गया है और अभी आ रहा है प्रसाद और सब लोग बैठ गए हैं। तो अभी प्रसाद चल रहा है और हमारा ये पत्तल तो प्रसाद है, इसे राइस को हम लोग प्रसाद कहते हैं। और ये है दीउल, तो अभी दीउल चल रहा है। ये है वाटर, ये है आलू दम, तो ये आलू दम है। और ये है पापड़, तो खाते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है शुभ काम में देरी है, तो प्रसाद हमारा चल गया है और ये आलू पटल की सब्जी है, ये भुजी मतलब पापड़ है और दीउल है, राइस है, तो खाते हैं। और चटनी भी है, वो आ रहा है चटनी, बहुत टेस्टी हुआ है दाल। और ये आलू दम है, आलू दम भी बढ़िया हुआ है, तो सब लोग खा रहे हैं, खाते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों हमारा भोज खाना हो गया और भोज खा के बड़ी आनंद आया, बहुत अच्छा लगा और एकदम आलू दम और दाल तो जबरदस्त हुआ था। चलिए खा लिए, अब चलते हैं, आराम करते हैं
और भी शाम को अभी काम है, कई गो मड़वान भी है, चलिए वो सब करेंगे आज। फ्रेंड्स, तो शाम के 5 बज गए हैं और आप लोग देखे हम लोग दोपहर में भोज वोज खाकर सो गए थे, अब बड़ी नींद आया। रात को रात भर जगे थे और दोपहर में मस्त भोज खाए और खाने के बाद सोए, नींद इतना अच्छा आया कि बोलिए मत। मैं जाके उस पुराने वाले घर में सो रहा था, अभी जग गया हूँ तो अब थोड़ा मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गए हैं। आपको बताया था आज हमारा गेहूँ कटेगा, तो सामने गाड़ी है, थ्रेसर लगी हुई है और बगीचे में, तो चलते हैं। वो है सामने बगीचा, तो वहाँ पर चल के गेहूँ कटवाते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम लोग चलते हैं। वहाँ पे सोनू, अंकित, प्रिंस वो लोग हैं और गेहूँ को काटना स्टार्ट करते हैं। आज भी शाम को भोज है, ये सामने बगल में मतलब आज बारात आ रही है तो भोज का निमंत्रण है, सभर निमंत्रण है यानी विथ फैमिली। तो चलिए आज भी शाम को जाएंगे भोज खाने के लिए और बारात भी आ रहा है तो आपको समयना में जाएंगे और दिखाएंगे। चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। आ गए बगीचा में, चले आए मशीन के पास, मशीन आके ट्रैक्टर आके लग गई है थ्रेसर में, अभी गेहूँ कटना स्टार्ट होगा। हवा भी कम हो गया है और शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करवाएंगे और ये चलते हैं ड्राइवर साहब से मिलते हैं पहले। हाँ, ये है ड्राइवर साहब। हाँ, तो अभी स्टार्ट करिए और चलते हैं। इस साइड से देख लीजिए, ये बड़ी थ्रेसर है, इसमें 2 आदमी लगते हैं, उसमें पकड़ाने में बहुत माने, ये तो मशीन आप लोग देख रहे हैं, इसका मुंह बहुत बड़ा है, एक बार में एक बोझा मतलब इसको लगता है। तो चलिए जल्दी से इंजन को स्टार्ट करवाते हैं, 1 घंटा में कट जाएगा ना, 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा में कट जाएगा। अभी इंजन स्टार्ट करेंगे, वो पहले वो चौकी है उसको डाउन करते हैं वो खड़ा होने के लिए। इंजन स्टार्ट हो गया और देखिए हमारा गेहूं कटने लगा और यहां से भाई वो पकड़ा रहे हैं, तो ये ट्रैक्टर से कट रहा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को बताएंगे ट्रैक्टर का भाड़ा क्या किराया है ये सब बताएंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगा, 1 घंटा में गेहूं कट जाएगा और ये लोग गेहूं ही लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, गाड़ी वाला भी गेहूं लेता है। ये जो मैन जो दोनों मिस्त्री है, इसको मिस्त्री बोलते हैं, वो स्पेशल होते हैं, वो सबको पकड़ाने नहीं आता है, बहुत खतरनाक मशीन है, नया आदमी पकड़ाते हैं तो हाथ उठ भी पकड़ा जाता है, इतना डर रहता है। जो लोग वो काम करते हैं वो स्पेशल वही लोग वो काम कर पाते हैं। तो चलिए अभी कटवा लेते हैं जल्दी से। ये लोग देखिए दोनों बहुत खुश है और यहाँ पे गेहूं निकल रहा है, हटा 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 ये हटा, वहाँ पे गेहूं निकल रहा है, वो हमारे माता जी ओरिजिनल किसान है, तो देख लीजिए यहाँ से गेहूं निकल रहा है। तो अभी चले हैं हम बाल पे, कल पे पानी पीने के लिए, वहाँ गेहूं कट रहा है और यहाँ पे देख लीजिए ये है समियाना, इसे समियाना कहते हैं, वो तम मतलब टेंट, और वो आप लोगों ने एक सुना होगा समियाना का चोप तहरा, वही वाला समियाना, उसमें चोप लगता है। तो चलिए आज वहीं पे बारात आ रहा है और उसी बारात में हम लोगों का निमंत्रण है, मतलब आपस का ही, अपना परिवार जैसा ही है, तो वहीं पे बारात आ रहा है। तो चलिए आप लोग को आज इंटरटेन करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। अभी चल के गेहूं कटवाते हैं और पानी पीते हैं पहले, यहाँ पे चापाकल है। 60% कट गया और 40% बचा है, माने 40%, और ये है अनाज, तो बस और आधा घंटा तक लगेगा, कट जाएगा, थोड़ा ही है अब। और यहाँ पे गेहूं निकल रहा है, अभी प्रिंस आ गया है उठाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, अभी 7 बज रहे हैं और गेहूं कट गया है, मशीन बंद हो गया है, देख लीजिए आप लोग, और अभी यहाँ पे गेहूं नापा जा रहा है, वो देखिए, तो बताएंगे इसका हिसाब किताब, आप लोग वीडियो में बने रहिए गेहूं नाप के, क्योंकि गाड़ी का जो भाड़ा होता है, मतलब गेहूं काट के गेहूं ही लेते हैं, और जो हमारे वर्कर होते हैं वो भी गेहूं ही लेते हैं, तो उनका हिसाब है। अभी बताएंगे ट्रैक्टर के ओनर नंद किशोर भाई, तो क्या भाड़ा चल रहा है ये पहले आप बताइए। 25 टीना में 1 टीना गाड़ी का, गाड़ी का 25 टीना में 1 टीना और वर्कर के आदमी के 40 टीना में। तो दोस्तों वर्कर जो है, मतलब जो हमारे ऑपरेटर है थ्रेसर को चलाने वाले, वो 40 टीना में 1 टीना लेंगे और गाड़ी वाले 25 टीना में 1 टीना लेंगे, तो उसी लिए गेहूँ मापा जा रहा है, तो देखते हैं कितना होता है, आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए।
ये खत्म ही हो गया है, अब लास्ट चल रहा है। तो अभी गेहूँ नाप लिया गया है, तो गेहूँ जो है 40 टीना हुआ है। तो 40 टीना में वर्कर का एक टीना जाएगा और हमारे गाड़ी का भाड़ा जाएगा डेढ़ टीना का लगभग। तो चलिए निकाल लेते हैं और इसको ढोते हैं हम लोग घर में। अब रातें रात घर में घुसाना होगा, नहीं तो यहाँ रात भर सोना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग घरों में इसको रख देते हैं उठा के। हाय दोस्तों, रात के 9 बज रहे हैं, हम अभी नहा धोया के फ्रेश हो गए हैं। तो आप लोग देखे, दिन में हम लोग गेहूँ कटवा रहे थे, गेहूँ 40 टीना हुआ, लगभग 6.5 क्विंटल हुआ। तो अपना हिसाब पत्र ले देखे गाड़ी वाला को, हम लोग अपना माने ढो के घर में रख लिए। उसके बाद नहा धोया के अभी फ्रेश हो गए, अब चलते हैं गाँव में। बारात आया है पास में भी, यहीं पास में, तो चलिए जाके तुम निमंत्रण है तो थोड़ा भोज वोज करेंगे। अभी दुआरे लगा है तो चलते हैं यहाँ से, थोड़ा दुआरे का आनंद लेते हैं, दुआरे बारात जिसको बोलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं द्वार पे, देखिए द्वार पूजा हो रहा है और देख लीजिए पूरा माने लोग देख रहे हैं और वहाँ पे डीजे बज रहा है, एकदम पूरे गांव के लोग इंटरटेन कर रहे हैं डीजे का। और देख लीजिए ऊपर छतों पे, अब होता है सभी के शादी ब्याह में इस तरीके से। और द्वार पे द्वार पूजा हो रहा है, वो लड़के के माथे पे मोर रखा गया है, उसे मोर कहते हैं। और सामने जो है लड़के के पिताजी हैं। हम लोग अभी समियाना में आ गए और समियाना में आकर अंगिया मांगा जाता है। तो सामने हम लोग बैठे हैं सब लोग अपने गांव से, और उस तरफ मेहमान लोग हैं। और देखिए वो ठाकुर जी खड़े हैं, वो हाथ में लोटा होता है, आपको दिखाई देता होगा। तो चलिए अब न्योता हो गया है, अब मीठा पानी पिलाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग भी चलते हैं खाना खाने के लिए। सब लोग खा लिए, मतलब बराती भाई बहुदी सब खा लिए, लास्ट हम ही लोग हैं। तो चलते हैं हम लोग भी खाते हैं। और यहाँ पे खाना चल रहा है, देख लीजिए लोग देख सकते हैं, यहाँ पे खाना चल रहा है और हम लोग भी चलते हैं। तो ये है कचौरी और हम ले लिए हैं, और साथ में मंजी भी है, सुनिए तो। हाँ बस हम लोग खाना ले लिए हैं और यहाँ पे टेबल पे रख दिया है, हम है और मंजी है और वो है उनका खाना। तो खाते हैं, खाने में बुनिया है, पूरी है और कचौरी है, आलू दम है और मटर पनीर की सब्जी है। तो चलिए खाते हैं और खाने का आनंद लेते हैं। और पुलाव भी है, पुलाव है, तड़का है, तो अभी बाद में लेंगे, पहले इसको खाते हैं। सुपर, ये कचौरी और थोड़ा मटर पनीर खाते हैं। हमारा खाना पीना हो गया और रात के 12 बजने लगे और पिताजी वहाँ सोए हैं, देख लीजिए। तो वो भी भोज खाए हैं, लेकिन मड़वान का भोज खाए, वो मिल सिस्टम खाए हैं। हम लोग पूरी कचौड़ी खाए हैं, हम अंकित प्रिंस। तो प्रिंस यहाँ सो रहा है, अब चलिए हम लोग भी सोते हैं और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।